प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं। आपको जिस तरह से मालूम है कि आज वतन समाचार की तरफ से रोल ऑफ मीडिया में सोशल मीडिया का किरदार है उसके बारे में खासकर दो शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान राम प्रसाद कृष्ण साहब के भी याद में प्रोग्राम रखा गया है। इनका मेन मकसद ये है कि यहाँ लोगों को किस तरह से जाति की नज़र देखते हैं। संस्था से अपील तो खैर मैं हूँ लेकिन मैं एक एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट और उसका हम लोगों का एक लीगल चैप्टर भी होता है उसमें हमने रोल ऑफ मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर भी प्रोग्राम कर रखे हैं। तो उसी में एक मुख्तसर बात बताऊँ की बहुत अहम बात जो सामने आई थी उसी को मैं रखते हुए मुझे लगता है की बात दूर तक चली जाएगी। देखिए वतन समाचार की लगभग लगातार से ये कोशिश रही है कि समाज में सौहार्द कैसे कायम हो, भाईचारा कैसे कायम हो, क्योंकि हम देखते हैं कि वक्त वक्त से कुछ ऐसी ताकतें सर उठाती हैं जो भाईचारा को तोड़ने की कोशिश करती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक समाज में हो, हर समाज में ऐसे लोग हैं जो उत्तेजित करने वाले बयान देते हैं, लोगों के जज्बात से खुलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी एज अ वतन समाचार फोरम के तौर पर ये कोशिश रहती है कि हम हर समुदाय के लोगों को बुलाएं, उनके साथ संवाद करें, बातचीत करें, क्योंकि जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ये ज़रूर लिखा जाएगा कि कुछ ऐसे लोग थे जो आग में पानी उनके पास नहीं था लेकिन कंकर ज़रूर डाल रहे थे। तो उस चिड़िया की तरह हम कंकर डालने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में नफ़रत की जगह पर मोहब्बत, द्वेष और दुई की जगह पर प्यार और प्रेम पैदा हो। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है पहल किए हैं हमारे मोहम्मद अहमद साहब ने जो वतन समाचार चलाते हैं और मीडिया का जो रोल है वो इसमें ये होना चाहिए कि आपस में जो कनेक्टिविटी है संवाद की जिस पे की चर्चा काफ़ी हुई थी उसको बराबर करके पब्लिक में भी और सोशल में भी उसको बराबर करके लेके चलना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे और इसी सिलसिले पे आगे हमारा देश तरक्की करे और कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपस में भाईचारा बना रहे। आपने सभी ने एक ही बात कही है कि इस तरह के संवाद होने चाहिए, जब तक लोग बात नहीं करेंगे तो दुनिया जो है कम नहीं हो सकती है। इसी से लेकर हर आदमी ने एक ही बात कही है कि वाद विवाद से ही हमेशा प्रोग्राम होते रहने चाहिए। तेजी से सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें। बड़े हैं, सीनियर हैं, आपका सम्मान होगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। रईस साहब का सम्मान रहमान बब्बर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्त का आप सम्मान रिसीव करें। देखने वाले थे क्योंकि वो मणिपुर में किसी वजह से नहीं आ पाए, अगर आप तशरीफ लाएं। सैयद मुजाहिद अहमद बदर काफी साहब का हुनैजा से रिक्वेस्ट है, हुनैजा खान जर्नलिस्ट है, काम करती है कई सारे संस्थानों से जुड़ी, नसर भाई ने काफी लंबे समय से तशरीफ लाए और काम करते हैं, काफी समाजी मैदान में एक्टिव रहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में काफी मेरे दोस्त आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नंबर रह जाएंगे कैसे ना हो। इधर देखिए अहमद भाई है रोड सोशल यूनिटी।